जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक्स ग्रुप पे और पेंशन एक बड़ी एनोमली बन चुकी है। सातवें पे कमीशन में दो अलग अलग टेबल 3600 और 6200 रुपये की जारी होने के बाद जैसे ही वन रैंक वन पेंशन टू का सर्कुलर जारी किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, तो पेंशनर्स के बीच में हड़बड़ी मच गई। एक तरफ जहाँ एक्स ग्रुप के पेंशनर्स 6200 रुपये के मुताबिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ पेंशनर्स को 3600 रुपये के मुताबिक पेंशन मिल रही है और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको 6200 और 3600 दो अलग अलग एक्स ग्रुप की पे मिल रही है। अब इसके लिए कई एक्स ग्रुप के एक्स सर्विसमैन ने मिलकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाके केस करिए और कलेक्टिवली करिए, आप एक से ज़्यादा पेटिशनर मिलके भी एफटी न्यू दिल्ली में जाके केस कर सकते हैं और उसी के मुताबिक एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में एक्स ग्रुप का केस रजिस्टर हो चुका है। और उसके लिए एक बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको देना चाहता हूँ ताकि आपको भी एक्स ग्रुप पे 6200 के मुताबिक मिल सके। वन रैंक वन पेंशन टू एक्स ग्रुप, ये विदित है कि 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के सेम ट्रेड के पूर्व सैनिकों को अलग अलग एक्स ग्रुप पे देकर वन रैंक वन पेंशन के दो टेबल जारी किए गए हैं। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया था और कोर्ट के आदेश पर केस आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल दिल्ली में फाइल कर दिया गया है, जिस पर गवर्नमेंट को नोटिस जारी भी हो चुका है। लेकिन इसमें वही लोग बेनिफिटेड होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिट का हिस्सा थे। एक्स ग्रुप के सभी लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, जिनकी संख्या लाखों में है, संगठन के नाम पर एक केस आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में डाला गया, जिस पर कोर्ट ने संगठन से प्रभावित सदस्यों की सूची मांगी ताकि सरकार को नोटिस जारी हो सके। एक्स ग्रुप पे के सभी प्रभावित एक्स सर्विसमैन से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वीर बहादुर सिंह जी द्वारा शेयर किया गया एक मैसेज है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का ये जो वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की सदस्यता लें और कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर अपना ब्यौरा एडवोकेट जितेंद्र देव जी को भेजें। उनके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, साथ ही साथ राजीव बहल जी के भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, या संगठन के ईमेल voiceofexservicemen1@gmail.com पर जल्द से जल्द भेजें। ये कहना है वीर बहादुर सिंह जी का। अब जो पेंशनर्स एक्स ग्रुप के पे के लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में अपनी रिट पिटीशन में नाम डलवाना चाहते हैं, तो वो अपनी जानकारी जिसमें सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ट्रेड, डेट ऑफ डिस्चार्ज और लास्ट यूनिट हेल्ड, साथ ही साथ मेंबरशिप नंबर, फॉर मेंबरशिप प्लीज लॉगिन, ये वेबसाइट लॉगिन करके मेंबरशिप नंबर लेना है। इंडिविजुअल विल गेट ऑनलाइन मेंबरशिप नंबर ऑन हिज ईमेल आईडी, उसका नंबर यहाँ पे डालते हुए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ईमेल आईडी पर यह जानकारी आपको शेयर करनी है और उसके बाद आपको एडवोकेट जितेंद्र देव जी या राजीव बहल जी से दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करना है। आगे आपको वो गाइड करेंगे कि आपका नाम याचिका में जुड़वाने के लिए क्या कार्रवाई करनी है। तो ये मैसेज वीर बहादुर सिंह जी द्वारा शेयर किया गया है, जो कि मैंने समझा कि ये आपके लिए उचित रहेगा, इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया। अब इस रिट पेटिशन में जो एक्स ग्रुप पे 6200 के लिए फाइल की गई है एफटी दिल्ली में, इसमें जुड़ना या ना जुड़ना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सोच समझ कर फैसला लें और उचित जो समझें वही फैसला लें। इसके साथ 8 दिसंबर 2023 को कोर्ट नंबर 1 एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में जो सुनवाई हुई थी, और इस सुनवाई के बाद एक ऑर्डर जारी हुआ है 8 दिसंबर 2023 को, जिसके बारे में मैं आप सबको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, ये ओए नंबर 3854/2023 विथ मिसलेनियस एप्लीकेशन 5130/2023 है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी श्री वीर बहादुर सिंह जी के द्वारा फाइल किया गया है
और यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के खिलाफ। इसमें एप्लीकेंट है मिस्टर जितेंद्र कुमार देव एडवोकेट और रेस्पोंडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन और ऑनरेबल रियर एडमिरल दीरेन विज ये मेंबर है एफटी के जो कि इस केस में सुनवाई कर रहे हैं और इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को ऑर्डर पास किया। द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट इज डायरेक्टेड टू गिव पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर्स ऑन हुज बिहाफ एप्लीकेंट हैज फाइल्ड दिस एप्लीकेशन बिफोर दिस ट्रिब्यूनल द नेम ऑफ द एसोसिएशन ऑब्लिक सर्टिफिकेशन नंबर एनरोलमेंट नंबर इफ एनी एंड द प्लेस ही वॉज पोस्टेड प्रियर टू हिज रिटायरमेंट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन। 2 weeks time is granted to the applicant to give the list, then only notices would be issued. Re-list on 11 January 24. 11 जनवरी 2024 को इसके ऊपर फिर से सुनवाई होगी। उससे पहले एफटी न्यू दिल्ली ने उन सभी याचिकाकर्ताओं के नाम मांगे हैं जो एक्स ग्रुप पे केस में जुड़े हुए हैं और आगे जो जुड़ना चाहते हैं। तो 11 जनवरी 2024 से पहले कोई भी इस याचिका में जुड़ सकता है और जैसा कि वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि ये जब फैसला आएगा तो फैसला उन्हीं के लिए लागू होगा जो इस रिट पिटीशन में याचिका करता है यानी जिन्होंने केस फाइल किया है। हर एक एक्स सर्विसमैन के लिए ये कॉमनली लागू नहीं होगा, इसलिए आप आगे आएँ एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी लें। यदि आप भी चाहते हो कि मुझे भी एक्स ग्रुप की जो पेंशन 6200 के मुताबिक मिले तो आप इस याचिका में जुड़ सकते हैं, याचिकाकर्ता बन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ में और भी कोई ऐसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे जुड़ना है, किसे संपर्क करना है और इसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा वो आगे फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन लड़ाई कोर्ट में लड़ना शुरू हो चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक एफटी न्यू दिल्ली में पहुंच चुके हैं और एक्स ग्रुप के ऊपर 11 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई है। बने रहिए चैनल के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।